अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सहरिये से होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हैं। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे थे चने की दाल और ग्रीन ऑनियन। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। चले आए हमारे साथ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया था हाफ कप ऑयल और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने ले लिया था, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया। तो साथ में हमने अपने जो दाल थी वो भी बॉईल कर लिया, हाफ बॉईल की है, फुल बॉईल नहीं की। तो साथ में हमारा जो प्याज था उसे भी छोटा छोटा हमने काट लिया था, तो इसे भी हम प्याज के साथ ही डाल देंगे। तो ये देखिए हमने डाल दिया है कि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब इसे हम तकरीबन 5 या 6 मिनट के लिए पकाएंगे कि जो हमने प्याज डाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए कि ये गलना शुरू हो गया है। तो साथ ही इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टमाटर 2 या 3 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि जो हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो इसे भी तकरीबन हम 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे कि जो हमारे टमाटर है वो गल जाएं। ये देखें जो हमारे टमाटर हमने ऐड किए थे वो गलना शुरू हो गए हैं। इसके बाद इसमें हम अपने जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। तो ये देखें इसमें जीरा है, कोरिएंडर पाउडर है 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है और नमक हमने हसबे जायका डाला है, जितना कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि जो हमारे मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो अब इन्हें हम तकरीबन 5-6 मिनट तक इन्हें हम पकाएंगे, फिर इसमें हम अपनी जो दाल है वो ऐड करेंगे। तो ये दाल हमने ऐड कर दी है, ये फुल बॉईल हमने नहीं की थी, हाफ़ बॉईल की थी। तो जो बाकी रह गई थी वो यहाँ इसकी जो ये इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो जो गल जाएगी तकरीबन। तो हम इसे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए यहीं पकाएंगे कि जो हमारे मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखें हमारी रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखें हमारी जो दाल थी वो अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब इसमें तकरीबन हम पानी एक गिलास के तकरीब पानी ऐड करेंगे कि जो हमारी दाल हाफ़ बॉइल थी ना, तो इसके लिए एक गिलास हाफ़ छोटा गिलास जो होता है वो ऐड किया है कि जो हमारी दाल है वो गल जाए। तो बहुत ईजी रेसिपी है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।